Welcome friends, today we are going to discuss a few things about these three verbs be, do and have. In the previous video be, do or have ko humne auxiliaries ki categories mein rakha tha aur auxiliary mein bhi isko प्राइमरी ऑक्सिलरी हमने कहा था इनको प्राइमरी ऑक्सिलरीज आप प्राइमरी ऑक्सिलरीज का मतलब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने इनको देखा था अभी टुडे वी आर टेकिंग अनदर एस्पेक्ट रिगार्डिंग दिस वर्ब्स कि इनको मेन वर्ब के रूप में भी हम कैसे यूज करते हैं ये ऑक्सिलरीज तो हैं बट ऑक्सिलरी होने से पहले ये मेन वर्ब भी हैं तो इसके एग्जांपल्स हम आज देखेंगे कैसे इनको आपको मेरा टॉपिक समझ में आ गया होगा ये तीन वर्ब्स हमने लिए यहाँ पर बी डू एंड हैव इनके यूजेस देखेंगे हम एज ए मेन वर्ब भी कैसे इस्तेमाल की जा रही हैं ऑक्सिलरीज का हमने देख लिया था कि ऑक्सिलरी के रूप में कैसे थे सो अभी देखिए सेंटेंसेज हैं मेरे पास सपोज अगर मैं बी की बात करूँ पहले बी वर्ब बी में ऑक्सिलरी में हमने क्या देखा था इसकी फॉर्म फर्स्ट फॉर्म जो थी इज एम एंड आर राइट सेकंड फॉर्म क्या देखी थी हमने वाज एंड वर एंड थर्ड फॉर्म हमने इसका क्या देखा था बीन देखा था ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज भी कहलाई थी यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरीज बट एज मेन वर्ब इनको कैसे देख रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस जैसे मैं लिखता हूँ ही इज playing he is playing cricket अगर आप यहाँ थोड़ा सा एक और चीज साथ साथ सीख सकते हैं क्रिकेट नहीं है जैसे कि इसके स्पेलिंग से हम सोच सकते हैं बट क्रिकेट अगर फोनेटिकली मैं इसको लिखूं दिस इज क्रिकेट ओके ओके क्रिकेट नॉट क्रिकेट ही इज playing cricket one sentence is he was playing cricket again he has been playing dot mein laga raha hu so yahan par hum dekh rahe hain primary auxiliary ke roop mein ye is yahan par primary auxiliary hai was yahan par primary auxiliary और ये बीन भी यहाँ पर प्राइम जो है क्योंकि इनके पीछे मेन वर्ब यहाँ पर प्ले चल रहा है यहाँ भी प्ले है यहाँ भी तो क्लियर ये एज प्राइमरी ऑक्सिलरी हमने देखा अभी देखते हैं इनका यूज़ एज मेन वर्ब कैसे इस्तेमाल हो रहे हैं उसके सेंटेंसेस में आपको दे रहा हूँ अभी हम देखेंगे इन सभी को एज मेन वर्ब देखिए पहला सेंटेंस सपोज ही इज अ टीचर क्लियर सेकेंड लिखता हूँ मैं ही वॉज अ टीचर थर्ड लिखता हूँ मैं ही हैज़ बीन अ टीचर इन तीनों सेंटेंसेस में देख लीजिए आप यहाँ पर ये मेन वर्ब है ये मेन वर्ब है और ये यहाँ पर मेन वर्ब है ओके ये बिकॉज इसके पीछे नाउन है और कोई मेन वर्ब इन सेंटेंसेस में नहीं है ये यहाँ पर ही इज ए टीचर ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी की जो फर्स्ट फॉर्म है वो यहाँ पर एज मेन वर्ब इस सेंटेंस में एज ए मेन वर्ब इसमें भी एज ए मेन वर्ब और यहाँ पर भी एज ए मेन वर्ब इस्तेमाल हो रही है सो दिस इज हाउ वी कैन से दैट दिस आर बेसिकली ये बेस फॉर्म है बेस फॉर्म की इसी तरह से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड फॉर्म्स इनको हम मेन वर्ब के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं ये था हमारा रिगार्डिंग बी अभी हम सेकेंड जो ऑक्सिलरी के रूप में हमने किया था वहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी में दैट वाज अबाउट डू हमने लिया था डू या डज ये ऑक्सिलरी हमने पहले प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में इस्तेमाल किया था इसको अभी हम आज अभी इसको एज मेन वर्ब कैसे इस्तेमाल करते हैं उसके लिए मैं एग्जाम्पल्स देता हूँ आपको सपोज मैं लिखता हूँ आई डोंट डू इट I don't do it. Second sentence में लिखता हूँ I didn't do it. Third sentence लिखता हूँ I have done it.
देख लीजिए, इसमें ये डू, ये हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, बट ये डू जो है ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है। ओके, यहाँ पर ये डिड जो है ये ऑक्सिलरी है, और ये डू अगेन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, एंड हैव यहाँ पर ये ऑक्सिलरी है, और ये जो डन है ये यहाँ पर मेन वर्ब है। समझ लीजिए इस बात को, आई डोंट डू इट ये मेन वर्ब है, ये ऑक्सिलरी है, आई डिडंट ये ऑक्सिलरी है, ये मेन वर्ब है, आई हैव ये ऑक्सिलरी है, ये डन जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। ओके, अगर डज का प्रयोग हमने नहीं देखा यहाँ पर, अगर डज की बात करते हैं तो सेम, इन द सेम वे, ही डजंट डू इट, डज यहाँ पर ऑक्सिलरी है और डू यहाँ पर मेन वर्ब है। ओके, सो दिस इज समथिंग अबाउट डू एंड डज, प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में भी इन सभी सेंटेंसेज में यूज़ हो रहा है, और एज मेन वर्ब भी डू डज की जो तीनों फॉर्म्स हैं, डू की हमने यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की, यहाँ पर डिड जो थी वो यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये थर्ड फॉर्म भी डन के रूप में यहाँ पर है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्राइमरी ऑक्सिलरी की जो हमने बात की थी उस कैटेगरी में हमारे पास रहता है हैव। हैव एज प्राइमरी ऑक्सिलरी भी हमने यूज़ किया था, अभी हम इसको देखते हैं मेन वर्ब के रूप में, मेन वर्ब के रूप में इसका इस्तेमाल देखते हैं आपके पास। हम देखिए, अभी हमने एक सेंटेंस जैसे किया था, आई हैव डन इट, आई हैव डन इट, हैव यहाँ पर ऑक्सिलरी है और डन यहाँ पर मेन वर्ब है। बट इसके लिए सेकेंड सेंटेंस में देखता हूँ, अगर ही हैज़ गॉन, यहाँ पर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है और ये यहाँ पर मेन वर्ब है, बट इसका मेन वर्ब के रूप में हम कैसे इस्तेमाल देखते हैं। देखिए, इन्हीं सेंटेंसेस को अगर मैं और तरह से लिखता हूँ, अगर मैं हैव, आई हैव हैड ए कार, आई हैव हैड ए कार, देखिए यहाँ पर प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी, और ये यहाँ पर मेन वर्ब है। ओके, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है, और दिस इज़ मेन वर्ब, ये मेन वर्ब है यहाँ पर, देख लीजिए। सेकंड सेंटेंस अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, सी हैज़ हैड ए कार, सी हैज़ हैड ए कार, यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, प्राइमरी ऑक्सिलरी है। और एक और एग्जांपल देखता हूँ मैं, आई हैड ए कार, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, यहाँ पर ये प्राइमरी ऑक्सिलरी है, यहाँ पर ये मेन वर्ब है। समझ लीजिए सेंटेंस को, आई हैड हैड ए कार, आई हैव हैड ए कार, सी हैज़ हैड ए कार, देखिए ये जो फर्स्ट ये प्राइमरी हैं, ये प्राइमरी हैं, और ये प्राइमरी है यहाँ पर, ये प्राइमरी है, और ये मेन वर्ब है, हम डिस्कस कर चुके हैं। आई हैड हैड ए कार, मेरे पास एक कार होती थी, बहुत पास्ट परफेक्ट की बात है। ये हैड ये प्राइमरी ऑक्सिलरी और ये मेन वर्ब है। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट the auxiliaries, primary auxiliaries used as main verb. हमारा टॉपिक आज का क्या था कि जितनी भी प्राइमरी auxiliaries की कैटेगरी में हमने बात की थी, बी डू और है, उन सभी की फॉर्म मेन वर्ब के रूप में भी आ सकती हैं, ये मेन वर्ब का भी फंक्शन कर सकती हैं। सो दिस इज समथिंग अबाउट द प्राइमरी auxiliaries. नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे, बात करेंगे यूज़ ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज, उनके हम आपको कंपैरिजन करके दिखाएंगे कि कैन वर्ड जो है, कैन मॉडल ऑक्सिलरी है, ये किस किस सिचुएशन में, जैसे हमने बात की थी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन और पोलाइट रिक्वेस्ट वगैरह, तो इस तरह से हम उनके यूजेस देखेंगे कि कैन को, कुड को, मे को, लाइक दैट हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ समथिंग अबाउट दी आज का मेन हमारा क्या था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी मेन वर्ब के रूप में भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी कमेंट, यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।